हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत बेहतर होंगे। बच्चों, हम लोग लास्ट क्लास में सॉल्यूशन के अंतर्गत रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिस्कस कर चुके थे। आज का हमारे पास टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा रॉल्स लॉ के बारे में ही, लेकिन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए। तो चलिए बिना देर किए हुए आज के इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर रॉल्स लॉ फॉर वोलेटाइल के लिए मैं बात करूं, तो इसके लिए एक कंडीशन है बाबू कि ये वाला लॉ तभी आपका अप्लाई हो सकता है जब दोनों ही कंपोनेंट आपके लिक्विड स्टेट पर होते होंगे। आप कह सकते हैं यहां पर दिस लॉ अप्लाइड व्हेन बोथ द कंपोनेंट्स आर इन लिक्विड स्टेट। ये लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। इस लॉ का सिंपल सा मतलब है कि जो किसी भी कंपोनेंट का अगर पार्शियल प्रेशर होता है, ये किसके बराबर होगा? प्योर वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इनटू मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्म में समझने की कोशिश कर लेते हैं। सपोज कर लो कि हमारे पास एक है PA, इसको मैं नाम दे रहा हूं पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A। एक मैं नाम लिया PB, दिस इज अ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट B। फिर एक मैं नाम लेता हूं यहां पे PA0 का, दिस इज अ प्योर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए एंड PB0, इसको मैं बोल लेता हूं प्योर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी। एक मैं ले लेता हूं यहां पे XA, दिस इज अ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए एंड XB, दिस इज अ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी। अब ये लॉ क्या कहता है बाबू? ये लॉ कहता है कि जो पार्शियल प्रेशर ए कंपोनेंट का है, ये किसके इक्वल होगा? उसके प्योर वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के बराबर होगा। दैट इज PA इज इक्वल टू PA0 एंड XA के प्रोडक्ट के बराबर होगा। सिमिलरली जो PB होगा आपके पास, दिस इज अ PB0 इनटू XB के बराबर होगा। मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू प्योर वेपर प्रेशर एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। इसीलिए इस लॉ को मैंने स्टेटमेंट के तौर पर लिखा है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। दैट मींस पार्शियल वेपर प्रेशर इक्वल टू प्योर वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन, इसका मेन मतलब होता है। ठीक है, पहले जरा आप इसको कॉपी कर लो, उसके बाद थोड़ा सा हम लोग और आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए बाबू, इसके बाद
अगर मान लो मैं कंसीडर करता हूं यहां पे P टोटल, दिस इज अ टोटल प्रेशर, तो क्लास 11th में एक पढ़े थे आपने डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ क्या बोलता है, दिस इज अ सम ऑफ पार्शियल प्रेशर इज कॉल्ड एज टोटल प्रेशर, यानी कि आप कहते हैं एक चीज सम ऑफ ऑल पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू द टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर दैट मींस पी टोटल किसके बराबर होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी के सम के बराबर होगा। और हम लोग अभी जस्ट पी ए के जगह पे क्या लिखे थे, पी ए नॉट एक्स ए, एंड पी बी की जगह पे क्या लिखे थे, पी बी नॉट एक्स बी। इन्हीं दोनों वैल्यूज को उठा करके मैं यहां पे पुट कर देता हूं, तो पी टोटल इक्वल टू क्या मिल जाएगा, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी हो जाएगा। ये भी आपके पास रॉड शो के अंदर में ही बात होगी। नाउ यहां पे एक और बात मैं आपको बताऊं, मान लेते हैं जैसे एक्स ए प्लस एक्स बी इसका सम 1 के बराबर होता है, आपको पता है, देयरफॉर एक्स बी बराबर क्या लिखा जा सकता है, तो 1 माइनस एक्स ए लिखा जा सकता है। इस वाले वैल्यू को उठाओ और यहां पे एक्स बी के जगह पे रख दो, क्या रिजल्ट मिल जाएगा, पी टोटल इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट, और एक्स बी के जगह पर 1 माइनस एक्स से हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। सॉल्व करके देखें तो P टोटल इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट माइनस पी बी नॉट इंटू क्या हो जाएगा, एक्स से आ जाएगा। अब सिंपल इसको हम लोग सॉल्यूशन दें तो P टोटल इज इक्वल टू, देखो तो एक्स से और एक्स से इसको एक साइड लिया, दैट इज पी ए नॉट एक्स ए माइनस पी बी नॉट एक्स ए प्लस क्या हो गया आपके पास, पी बी नॉट, दिस इज अ पी बी नॉट। अब यहां से हम लोग एक्स ए को कॉमन निकाल सकते हैं तो क्या मिल जाएगा, पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट प्लस क्या हो जाएगा, पी बी नॉट हो जाएगा। तो आप इसे भी रॉड्स लॉ के तरह ही मान के चल सकते हैं, रॉड्स लॉ के तरह ही आप इसको भी मान के चल सकते हैं। अच्छा यहां पे ग्राफ भी आप बना सकते हो अगर आप चाहो तब। ये हमारे पास y एक्सिस हो गया, ये हो गया आपके पास m, इसको हमने बोल दिया x और इसको हमने बोल दिया c। तो आपके पास जो इक्वेशन आया y इज इक्वल टू क्या मिला बाबू, एम एक्स प्लस सी हो गया। और आपको पता है एक बात कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ये कैसा कर्व देता है, लीनियर कर्व देता है, कैसा देता है, लीनियर कर्व देता है। यानी यहां पे अगर कर्व मैं प्लॉट करूं, किससे किसके बीच में कर्व बनाया जा सकता है, यहां पर वाई एक्सिस पे आप रख लीजिए टोटल प्रेशर को, एक्स एक्सिस के तरफ लिख लीजिए डिफरेंस ऑफ पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट, और इंटरसेप्ट आपके पास कितना है, पॉजिटिव डायरेक्शन पर है, दिस इज अ पी बी नॉट, और यहां से जो कर्व आएगा आपके पास वो लीनियर हो जाएगा। और यहां पे स्लोप, स्लोप किसके बराबर है बाबू, तो स्लोप होता है m के बराबर, जो कि मोल फ्रैक्शन के बराबर है। तो ये इस प्रकार से भी कर्व आप बना के दिखा सकते हैं, ठीक है। यहां पर एक और चीज आप ध्यान देना, अगर मैं इस वाले फॉर्मूले के आधार पे चलूं तो टोटल प्रेशर कहां पे लाइज करना चाहिए, बिटवीन द प्योर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए एंड प्योर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी के बीच में लाइज करना चाहिए। तो यहां पर एक पॉइंट मैं इंसर्ट कर देता हूं, टोटल प्रेशर ऑलवेज लाइज बिटवीन द पी ए नॉट एंड पी बी नॉट। आप देख सकते हैं तो पी ए नॉट और पी बी नॉट के बीच में ही आपके पास टोटल प्रेशर लाइज कर सकता है। इसके बारे में और हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी पहले आप इसको जरा कॉपी करो, उसके बाद हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं। चलिए बच्चों आगे की ओर बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन रॉड्स लॉ एंड डाल्टन्स लॉ।
डाल्टन्स लॉ आपने क्लास 11 में पढ़े हुए थे, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के नाम से। और रॉल्स लॉ के बारे में हम लोग क्लास 12 के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ पे दोनों को हम लोग आपस में मिला देंगे। डाल्टन्स लॉ बेसिकली वेपर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि रॉल्स लॉ आपके पास लिक्विड कंपोजिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आप दूसरे टर्म में आप कह सकते हैं कि हम लोग लिक्विड का रिलेशन वेपर के साथ देखने वाले हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कैसे रिलेशन देखा जाएगा। सबसे पहले अगर मैं डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग सोचूं तो देखो डाल्टन्स लॉ क्या कहता है। डाल्टन्स लॉ ये कहता है कि पार्शियल प्रेशर दिस विल बी इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। लेकिन याद रखना ये किसके लिए बात कर रहे हैं, हम लोग वेपर फेस के लिए बात कर रहे हैं। अगर मान लो कि हमारे पास है पी ए, दिस इज अ पार्शियल वेपर प्रेशर, या फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, एंड मैं यहां पे पी बी सोच रहा हूं, दिस इज अ पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी। अच्छा यहां पे मैं कंसीडर कर रहा हूं वाई ए, दिस इज अ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन वेपर फेज। देखो वाई ए को मैंने वेपर के लिए माना है, और आपने जो एक्स ए और एक्स बी माना था ये लिक्विड के लिए माना था, जो रॉड्स लॉ के अंदर में बात हो रही थी उसकी। तो वाई ए हो गया आपके पास वेपर फेज के लिए, और एक मैं यहीं पे वाई बी सोच लेता हूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इन वेपर फेज। किस फेज पर बाबू? वेपर फेज पर। फिर एक मैं ले लेता हूं टोटल प्रेशर, दिस इज अ टोटल प्रेशर। अब यहीं से हम लोग रिलेट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इन सारे चीज को इस फॉर्मूले के आधार पे अरेंज करें तो आप क्या कह सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू टोटल प्रेशर इन वेपर फेज। सिमिलरली अगर मैं पीबी के लिए बात करता हूं तो पीबी को आप क्या लिख सकते हैं, तो वाई बी इनटू पी टोटल लिख सकते हैं। नाउ अगर मैं यहां से वाई ए कैलकुलेट करूंगा तो वाई ए बराबर क्या लिखा जा सकता है, दिस इज अ पी ए अपॉन क्या होगा, पी टोटल होगा। और अभी जस्ट रॉल्स लॉ के दौरान आपने पढ़ा था कि पी ए को आप क्या लिखेंगे, पी ए नॉट एक्स से लिख सकते हैं, डिवाइड बाय पी टोटल लिख सकते हैं। और इसको भी अगर एक्सपेंड कर दें तो आप लिख सकते हैं पी ए नॉट एक्स से डिवाइड बाय पी ए नॉट एक्स से प्लस क्या हो जाएगा, पी बी नॉट एक्स बी हो जाएगा। आप इसको ऐसा सोच के चल सकते हैं। तो ये आप निकाल सकते हैं वेपर फेज की कॉम्बिनेशन, ठीक है ना, किसके साथ, लिक्विड के साथ। तो इधर वाला मैंने लिक्विड के लिए पुट कर दिया और ये आपके पास वेपर के लिए हो गया। उसी तरीके से अगर मान लो मैं यहां पे इस्तेमाल कर लेता हूं तो इस जगह पर आप वाई बी के लिए क्या लिख सकते हैं, दिस विल बी पी बी अपॉन पी टोटल लिख सकते हैं। अब जो पी बी है हमारे पास रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या लिखा जाएगा, पी बी नॉट इंटू एक्स बी डिवाइड बाई आप पी टोटल कह सकते हैं। पी टोटल को भी अगर एक्सपेंड करके मैं लिख दूं तो क्या लिख सकते हैं, पी बी नॉट एक्स बी डिवाइड बाई पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, आप ये लेके चल सकते हैं। तो ये जो आपने रिलेशन देखा है, बेसिकली हमने वेपर फेज का रिलेशन किसके साथ देखा है, लिक्विड के साथ देखा हुआ है, या फिर डाल्टन्स लॉ का रिलेशन आपने किसके साथ देखा है, तो रॉड्स लॉ के साथ देखा हुआ है। पहले इसको जरा कॉपी करो, इसके बाद हम लोग इसके बेसिस पर कुछ कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। चलिए बच्चों हम लोग बढ़ते हैं एक क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हेप्टेन एंड ऑक्टेन फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। हमारे पास दो कंपोनेंट है, एक है हमारे पास बाबू हेप्टेन जिसको आप सपोज ए मान लो, और एक है हमारे पास ऑक्टेन जिसको आप सपोज बी मान लो। एट 373 केल्विन द वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड कंपोनेंट्स आर 105.2 एंड 46.8 किलो पास्कल रिस्पेक्टिवली। मतलब इसका जो पार्शियल प्रेशर, सॉरी प्योर वेपर प्रेशर दिया गया है, दिस इज अ
105.2 किलो पास्कल, और इसका जो दिया गया है बाबू दिस इज अ 46.8 किलो पास्कल दिया गया है। आगे कह रहा है कि व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सर। वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सर कहने का मतलब ये है कि पी टोटल कितना होगा ये आपको पता करना है। क्या क्या दिया गया, 26 ग्राम ऑफ हेप्टेन, इसका वेट दिया गया है बाबू कितना 26 ग्राम, मॉलिकुलर मास हम लोग फाइंड करके देखेंगे। साथ में आगे क्या है, एंड 35 ग्राम ऑफ ऑक्टेन, इसके पास दिया गया है 35 ग्राम ऑफ ऑक्टेन। ऑक्टेन का मॉलिकुलर मास आपको पता है 114 ग्राम पर मोल होता है, ठीक है ना। अब 114 में से 14 घटा देंगे तो 100 ग्राम पर मोल आपके पास हेप्टेन का मॉलिकुलर मास हो जाएगा। अब क्या करूं कि यहां से मोल निकाल लो, पहले तो मोल बराबर फॉर्मूला जानते हैं, डब्ल्यू ए बाई क्या होता है एम ए, दैट इज 26/100, सॉल्व करेंगे आएगा 0.26। नाउ इस वाले केस में अगर मोल निकाल ले हम लोग तो डब्ल्यू बी अपॉन क्या होगा बाबू एम बी होगा, दैट इज 35 अपॉन क्या लिख सकते हैं 114 लिख सकते हैं। इसको जरा सॉल्व करके देखते हैं कितना आता है, तो ये आ जाता है 0.31, क्या आ जाता है 0.31। नाउ अब क्या करो, इसका मोल फ्रैक्शन निकालो और इसका मोल फ्रैक्शन निकालो, एक से बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, दिस इज अ एन ए डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी हो जाएगा। एन ए कितना है बाबू 0.26 डिवाइड बाई 0.26 प्लस एन बी आपके पास कितना है 0.31 है, जरा इसको सॉल्व करके देखो आपको कितना मिलेगा, तो ये मिल जाएगा आपके पास 0.456। नाउ अगेन यहां पे आप एक्स भी निकाल सकते हैं, कैसे निकालोगे, 1 माइनस एक्स के साथ निकाल सकते हैं, 1 हो गया और एक्स कितना है 0.456 है आपके पास, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.544। हेप्टेन का भी मोल फ्रैक्शन आ चुका है, ऑक्टेन का भी मोल फ्रैक्शन आ चुका है, तो टोटल प्रेशर निकाल सकते हैं। नाउ टोटल प्रेशर का फॉर्मूला क्या हुआ, दिस इज अ पी ए नॉट एक्स ए प्लस हो जाएगा पी बी नॉट इंटू एक्स बी हो जाएगा। नाउ पी टोटल, पी ए नॉट कितना है बाबू 105.2 किलो पास्कल, 105.2 एंड एक्स ए आपके पास कितना है, दिस इज अ 0.456 प्लस पी बी नॉट हमारे पास कितना 46.8 और एक्स बी आपके पास कितना हो गया बाबू, तो 0.544 हो गया, 0.544 हो गया। जब इसको आप सॉल्व करके देखो और बताओ कितना आता है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो आया हमारे पास 73.43 किलो पास्कल। कर सकते हैं, तो करना कुछ नहीं था इस पे, हेप्टेन का अलग सोचो, ऑक्टेन का अलग सोचो, फिर रॉल्स लॉ के फॉर्मूले को अप्लाई कर दो तो टोटल प्रेशर आपको पता चल जाएगा। क्लियर बात है। चलिए बच्चों आगे की ओर बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है हमारे पास, 100 ग्राम लिक्विड ए मॉलिकुलर मास दिया गया 140 ग्राम पर मोल वाज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ लिक्विड बी, इसका मॉलिकुलर मास दिया गया 180 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो दो कंपोनेंट आप पहले सोच लो, सबसे पहला है लिक्विड ए और दूसरी तरफ है बाबू लिक्विड बी, दो लिक्विड हो गए आपके पास, ठीक ना। लिक्विड ए का जो वेट गिवेन है वो 100 ग्राम दिया गया है और इसकी जो मॉलिकुलर मास दी गई है 140 ग्राम पर मोल दिया गया है, ठीक। नाउ डब्ल्यू बी हमारे पास दिया गया क्वेश्चन में अगेन 100 ग्राम और इसका जो मॉलिकुलर मास है बाबू वो दिया गया है 180 ग्राम पर मोल, सही है। चलिए अब यहां से हम लोग एन ए कैलकुलेट कर लेंगे पहले और यहां पे एन बी कैलकुलेट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया उसको पढ़ लो आप, ठीक है। आगे कह रहा है कि द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी वाज फाउंड टू बी 500 टॉर, इसका वेपर प्रेशर टोटल कितना है बाबू, तो 500 टॉर दिया गया है। आगे कह रहा है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए, इसका वेपर प्रेशर कितना होगा ये आपको पता करना है। हमारे पास क्वेश्चन पर टोटल प्रेशर दे दिया गया है कितना, 475 टॉर, कितना दे दिया गया है 475 टॉर दे दिया गया है। चलिए तो सबसे पहले काम करो कि यहां पर आप पहले मोल को फाइंड आउट कर लो, मोल कैसे निकालेंगे, 100 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 140 आ जाएगा, इसको सॉल्व करके बताओ कितना आता है। फिर यहां पे मोल अगर फाइंड आउट करोगे तो 100 बाई 180 हो जाएगा बाबू, जरा दोनों में सॉल्यूशन दे करके देखते हैं।
तो ये आता है आपके पास 0.71 और ये सॉल्व करोगे आएगा 0.55। कितना आ जाएगा? 0.55 आ जाएगा। नाउ आप एक काम करो, मूल फ्रैक्शन निकाल लो पहले ए का। ए का मूल फ्रैक्शन क्या होगा? एन ए डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी लिख सकते हो आप। एन ए कितना है देखो तो 0.71 हो गया, 0.71 हो गया डिवाइड बाई हो गया 0.71 प्लस 0.55। जरा इसको सॉल्व करके देखें आप, तो ये आ जाएगा आपके पास 0.56। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप एक्स भी फाइंड आउट करते हैं तो 1 - xA का इस्तेमाल कर लो आप। दैट मीन्स 1 - xA कितना हो गया? 0.56। सॉल्व कर लें तो कितना आ जाएगा आपके पास? 0.44 यहां पर आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन मिल गया। नाउ हमें एक बात मालूम है, टोटल प्रेशर किसके बराबर होता है बाबू? पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी के बराबर होता है। टोटल प्रेशर कितना है आपके पास? 475 टॉर इज इक्वल टू पी ए नॉट, आपको फाइंड आउट करनी है। मोल फ्रैक्शन आपको मिल चुका है 0.56 प्लस पी बी नॉट हमारे पास दिया गया है 500 टॉर इंटू हो गया आपके पास 0.44। ये पॉइंट हटेगा, जीरो खत्म हो जाएगा यहां से। ठीक है, सॉल्व करके देखें, 475 इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू 0.56 प्लस, सॉल्व करें इसको, पंचम का 20, पंचम का 20 और 2 22, 220 हो जाएगा। इसको उठा के इधर ले आओ तो 475 माइनस 220 इज इक्वल टू 0.56 इंटू पी ए नॉट हो गया। इसको जरा सॉल्व करके देखें, तो यहां पर 5 हो गया, यहां पर हो गया 5 और यहां पर हो गया आपके पास 255 हो गया। 255 बटा 0.56 इक्वल टू हो जाएगा पी ए नॉट। अब पी ए नॉट आप यहां से डिवाइड करके निकाल सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के बाद आया है 455.3 टॉर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो पहले इसको जरा आप कॉपी कर लो, उसके बाद फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन एक और है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी, कैपिटल बी है ना यहाँ पर, आर 450 एंड 700 mm ऑफ Hg रिस्पेक्टिवली एट 350 केल्विन। सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है, फाइंड द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर इफ टोटल प्रेशर इज 600 mm ऑफ Hg, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए कितना होगा और मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी कितना होगा अगर हमारे पास टोटल प्रेशर 600 mm ऑफ Hg दिया गया है तब। ठीक है, कैसे निकालेंगे आइए जरा बात करते हैं। सबसे पहले ए कंपोनेंट है और दूसरे तरफ है बी कंपोनेंट। ए का जो आपके पास प्रेशर दिया गया है वो है आपके पास 450 mm ऑफ Hg और पीबी नॉट जो आपके पास गिवेन है वो 700 mm ऑफ Hg गिवेन है। आपको पता करना है कि xA का वैल्यू कितना होगा और साथ में xB का वैल्यू कितना होगा। कैसे निकालोगे? सबसे पहले एक काम कर लो, हमारे पास टोटल प्रेशर का फॉर्मूला मालूम है, दिस इज अ पी ए नॉट एक्स ए प्लस क्या होगा तो पी बी नॉट एक्स बी हो जाएगा, है ना। आपको यह भी बात मालूम है कि एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। तो एक्स बी की जगह पर 1 - xA का इस्तेमाल कर सकते हैं हम। इसको जरा उठाकर रख दो यहाँ पे, तो पी टोटल इज इक्वल टू हो जाएगा पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी की जगह पर होगा 1 - xA, है ना। अब टोटल प्रेशर कितना है बाबू? देखो तो टोटल प्रेशर है हमारे पास 600 mm ऑफ Hg, पी ए नॉट हो गया आपके पास 450 xA प्लस पी बी नॉट कितना हो गया आपके पास 700 माइनस आपके पास हो जाएगा 700। इसको ऐसे लिख दो जरा, 700 इंटू 1 - xA लेके चल सकते हैं। अब जरा इसको सॉल्व करें सिंपल सा, 600 हो गया ना इधर, तो ये हो जाएगा आपके पास 600 इज इक्वल टू 450 xA प्लस 700 माइनस 700 इंटू xA हो जाएगा। इस 700 को उठा के घर ले आओ तो क्या हो गया, 600 माइनस 700 इज इक्वल टू 450 xA माइनस 700 xA। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 100 आ जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस 250 आ जाएगा। सही है ना, 0 0 हो गया, 5 हो गया और 7 2 कितना हो गया, हाँ 0 0 5 5 10 हो गया और 4 2 6 1 7 हो गया। सही है,
एक नेगेटिव से एक नेगेटिव कट जाएगा, तो यहां से आप निकाल सकते हैं एक्स ए। एक से कैसे निकालोगे, तो 100 को आप डिवाइड कर दो 250 से, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा आपका यहां पर, है ना, तो कितना मिल जाएगा 0.4 मिल जाएगा। और साथ में अगर आप एक्स बी को निकालना चाहते हैं, जानते हैं 1 - x से होता है सर, दैट इज 1 - 0.4, तो हो जाएगा 0.6। यानी लिक्विड कंपोजिशन में ए का मोल फ्रैक्शन आ गया 0.4 और बी का मोल फ्रैक्शन आ गया 0.6। लेकिन अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, आपके पास लिक्विड का कंपोजिशन तो मिल चुके हैं, अब हमें निकालना फाइंड द कंपोजिशन ऑफ द वेपर फेज। वेपर फेज का भी कंपोजिशन आपको निकालना है, तो आप पहले इसको जरा कॉपी कर लो, उसके बाद वेपर फेज के हम लोग कंपोजिशन की बात करते हैं। चलिए बच्चों, इसके बाद हम लोग निकालने वाले हैं यहां पे सेकंड इन वेपर फेज, इन वेपर फेज। तो वेपर फेज के लिए अगर मैं सबसे पहले वाई ए की बात करता हूं, तो फॉर्मूला क्या बताया था, पी ए नॉट एक्स ए डिवाइड बाई पी टोटल पढ़ाया था ना। पी ए नॉट आपके पास कितना है बाबू, देखो तो पी ए नॉट है सर हमारे पास 450 और एक्स ए आपके पास आ चुका है 0.4, उसको जरा पुट कर लो आप, तो क्या मिल जाएगा 450 गुने 0.4 और टोटल प्रेशर कितना था, तो 600 था सर, है कि नहीं। पहले देखो ये पॉइंट उड़ा तो जीरो खत्म हो जाएगा, सॉल्व करें 5 * 20, 4 * 16 और 2 हो गया 18 बाई 600, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.3, कितना आ जाएगा 0.3। अब एक मिल गया, वाई बी आप फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे, 1 - yA के साथ, दैट इज 1 - 0.3 सॉल्व करेंगे तो 0.7 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप वेपर कंपोजिशन भी निकाल सकते हैं, ठीक ना। चलिए बच्चों आगे की ओर बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन दिया गया है, मिथानोल एंड इथानोल फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 32 ग्राम ऑफ मिथानोल एंड 23 ग्राम ऑफ इथानोल एट 300 केल्विन। आपके पास दो कंपोनेंट है बाबू, एक है कंपोनेंट ए जिसको आप मिथानोल की तरह सोच लो, और एक कंपोनेंट है बी जिसको आप इथानोल की तरह सोच लो, ठीक है। पहले तो हमारे पास वेट ऑफ मिथानोल कितना गिवन है, देखो तो 32 ग्राम दिया गया है, और इसकी मॉलिकुलर मास कितनी हो जाएगी, 12 और 3 = 15, 15 और 16 6 * 5 = 11, 31 हो गया और एक हो गया 32, यानी इसका भी कितना आ जाएगा 32 ग्राम पर मोल आ जाएगा। और यहां पे वेट अगर देखें तो आपके पास दिया गया है 23 ग्राम, और अगर इसकी मॉलिकुलर मास को आप फाइंड आउट करते हैं तो कितना आ जाएगा 46 ग्राम आ जाएगा, ठीक है ना, 46 ग्राम पर मोल आप सोच करके चलोगे। नाउ यहां से आप मोल निकालो पहले, तो मोल कैसे निकालेंगे, 32 को 32 के साथ डिवाइड करो तो 1 मिल जाएगा, और यहां पे अगर आप मोल देखेंगे तो 23/46 दैट विल बी 1/2, आप ले सकते हैं यहां पे 1/2 ही रख लेना उसको, ठीक है 1/2 ही रहने दो। अब क्या कह रहे हैं आगे, आगे कह रहा है कि प्योर वेपर प्रेशर ऑफ मिथानोल आपके पास 90 mm ऑफ Hg एंड इथानोल इज अ 51 mm ऑफ Hg। आपके पास इसका प्योर वेपर प्रेशर दिया गया है कितना बाबू, 90 mm ऑफ Hg, जबकि पीबी नॉट आपके पास दिया गया है यानी इथानोल वाला, वह है 51 mm ऑफ Hg। अब कैलकुलेट क्या क्या करना है, सबसे पहले कैलकुलेट करना है पार्शियल प्रेशर ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट इन लिक्विड फेज। आपको पार्शियल प्रेशर को सबसे पहले फाइंड आउट करना है, तो पहले एक कंपोनेंट का देख लो क्या फॉर्मूला होता है, पी ए नॉट इंटू एक्स ए होता है। अब पी ए हमारे पास कितना है तो निकालना है, और पी ए नॉट कितना है बाबू देखो तो 90, ये हो गया आपके पास 90, और मोल फ्रैक्शन निकाल लो जरा। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, इसका मोल बाई टोटल मोल, दैट इज इसका मोल बटा टोटल मोल हो जाएगा, अरे होंगे ना, सॉल्व करके देखें क्या मिल गया हमारे पास, 90 * 1 डिवाइड बाई ये हो जाएगा आपके पास 3 और 2 चला जाएगा ऊपर, तो 3 * 9 यानी कि 30 हो गया, और 30 * 60 यानी कि 60 mm ऑफ Hg आ जाएगा इसका पार्शियल प्रेशर। सिमिलरली अगर हम लोग पीबी को फाइंड आउट करते हैं तो पीबी बराबर फॉर्मूला क्या है, पीबी नॉट इंटू एक्स बी है। अच्छा पीबी नॉट आपके क्वेश्चन पे कितना गिवन है बाबू, तो 51 दिया गया है सर, और एक्स बी देखें कैसे निकालेंगे, एनबी डिवाइड बाई Na + Nb, है कि नहीं। तो आपके पास हो गया यहाँ पे 1/2 * क्या लिख सकते हैं, तो 3/2 लिख सकते हैं, ये 3 से 3 कट गया,
आपके पास क्या मिल गया 51 × 1/3 डेट विल बी 17 mm ऑफ Hg हो गया, कर सकते हैं। तो आपके पास ये पार्शियल प्रेशर ए का भी मिल चुका है और पार्शियल प्रेशर आपको बी का भी मिल चुका है, पहला सवाल तो बन गया हमारा। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड फेज। तो आपको एक बात पता है कि टोटल प्रेशर किसके बराबर होता है, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर के बराबर होता है, अभी जस्ट हम लोग डिस्कस किए हुए थे। तो पार्शियल प्रेशर अगर आप ए की बात करते हैं तो 60 हो गया और बी की बात करते हैं 17 हो गया, मतलब ये 77 mm ऑफ Hg आ जाएगा या फिर 77 mm ऑफ Hg आ जाएगा। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, आगे भी कह रहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। आपको मोल फ्रैक्शन पता करना है वेपर फेज पर, कहां पर बाबू, वेपर फेज पर पता करना है। तो थर्ड हम लोग देख रहे हैं सबसे पहले YA के बारे में, YA क्या होता है, PA नॉट XA डिवाइड बाई क्या होगा, तो P टोटल हो जाएगा। PA नॉट कितना दिया गया बाबू, देखो तो PA नॉट यहां पर है ना, PA नॉट इंटू XA, PA के बराबर है, दैट मीन 60 mm ऑफ Hg, 60 और टोटल हमारे पास कितना है 77, सॉल्व कर लो जो आएगा वही आंसर होगा। सिमिलरली YB बराबर अगर आप निकालना चाहें तो आप लिख सकते हैं PB नॉट XB डिवाइड बाई क्या होगा, P टोटल हो जाएगा। और PB नॉट XB कितना आ चुका है देखो, जो कि PB के बराबर है वो 17 हो चुका है, तो 17/77 इसका लेके चल सकते हैं, सॉल्व कर लो जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो ये सॉल्व करने से आएगा 0.78 और ये सॉल्व करने से आएगा 0.2, कर सकते हैं। ये इसका जो है ना बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर से। चलिए बच्चों आगे की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास एक ओडिशा नीट 2019 का क्वेश्चन है कि इन वाटर सैचुरेटेड एयर द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर वेपर इज 0.02, मोल फ्रैक्शन दिया गया वाटर वेपर का 0.02, ठीक है। इफ टोटल प्रेशर ऑफ द सैचुरेटेड एयर इज 1.2 atm, आपके पास P टोटल जो है ये किसके बराबर है, तो 1.2 atm के बराबर है। आगे कह रहा है कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर, पार्शियल प्रेशर ड्राई एयर का कितना होगा ये आपको पता करना है। तो ड्राई एयर में अगर आप टोटल प्रेशर सोचते हैं तो आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले प्रेशर जो होगा वाटर वेपर वाला होगा, कौन सा होगा, वाटर वेपर वाला, और एक प्रेशर होगा ड्राई एयर वाला, कौन सा होगा, ड्राई एयर वाला। तो हमारे पास टोटल पता है वाटर वेपर वाला आप निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन दिया गया हमारे पास। तो हमें एक बात पता है कि जो प्रेशर होगा दिस इज अ मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, ये किसके लिए बात कर रहे हैं आप, वाटर वेपर के लिए बात कर रहे हैं। तो वाटर वेपर के लिए अगर आप प्रेशर देखते हैं, टोटल प्रेशर हमारे पास कितना दिया गया देखो, तो 1.2 दिया गया है और मोल फ्रैक्शन आपके पास कितना दिया गया है, तो 0.02 दिया गया है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये पॉइंट उड़ेगा तो 10 के पावर 3 नीचे आ जाएंगे, 12 दुनी की 24, तो 24 बटा क्या हो गया 10 के पावर 3, यानी कि हो गया 0.024। ये हो गया हमारे पास एटीएम के फॉर्म में। नाउ अब क्या करो कि यहां पर आप अप्लाई करो, टोटल प्रेशर कितना हो गया 1.2 atm, वाटर वेपर वाला हो गया 0.024 atm और आपके पास हो गया प्रेशर ऑफ ड्राई एयर, प्रेशर ऑफ ड्राई एयर। तो प्रेशर ऑफ ड्राई एयर आप निकाल सकते हैं सिंपल सा, क्या होगा 1.2 में से 0.024 को माइनस कर दो, आ जाएगा 1.176 atm, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो एक और क्वेश्चन है हमारे पास कि ए सॉल्यूशन हैज 1:4 मोलर रेशियो ऑफ पेंटेन टू हेक्सेन। हमारे पास मोलर रेशियो है, तो आप एक काम कर लो थोड़ा सा कि जो पेंटेन है इसको ए बना लो और जो हेक्सेन है उसको आप बी बना लो। अब आपके पास क्वेश्चन में है मोलर रेशियो ऑफ ए अपॉन बी, ये दिया गया 1:4। Therefore, आप यहां पे क्या लिख सकते हैं कि सर जो Na या फिर Nb होगा ये 4Na के बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, 4Na के बराबर हो जाएगा। आगे कह रहे हैं कि द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर हाइड्रोकार्बन एट 20 °C आर 440 mm ऑफ Hg फॉर पेंटेन एंड 120 mm ऑफ Hg फॉर हेक्सेन। इसका जो आपके पास प्योर वेपर प्रेशर है डेट इज PA0, ये है आपके पास 440 mm ऑफ Hg और साथ में हेक्सेन यानी कि PB0 जो दिया गया है हमारे पास वो है हमारा
120 mm of Hg. अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन इन द वेपर फेज, आपको वेपर फेज पे निकालनी है ना। तो पहले एक काम करो, टोटल प्रेशर फाइंड आउट कर लो। मोल फ्रैक्शन निकाले सपोज करो एन एक्स ए का, तो क्या होगा, एन ए डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी, सोचो डेट इज एन ए डिवाइड बाई एन ए, और एन बी के जगह पर आप 4 ना इस्तेमाल कर सकते हैं, ये कट गया, रिजल्ट क्या बना 1/5 बन गया। उसी तरीके से अगर एक्स भी निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, 1 - x है, डेट मीन्स 1 - 1/5 सॉल्व करेंगे आएगा 4.5। अब यहां से आप चाहे तो टोटल प्रेशर निकाल सकते हैं, फॉर्मूला जानते हैं, पी ए नॉट एक्स ए प्लस क्या होता है, पी बी नॉट एक्स बी होता है। पी ए नॉट कितना दिया गया, 440, और एक्स ए हो गया आपके पास 1/5 प्लस पी बी नॉट हो गया हमारे पास 120 × 4/5। जरा सॉल्व करके देखते हैं इसको कितना आ जाएगा, ने ये 5 से कितना मतलब है, 5 × 40 88 टाइम में, और ये 5 टाइम में कितना, 5 × 2 = 10 और 5 × 20 24 टाइम में चला जाएगा। यानी टोटल प्रेशर जो मिला हमारे पास, सॉल्व करके देखें तो 88 हो गया प्लस हो गया यहाँ पर कितना, 4 × 16 और 4 × 8 देखना 96 हो जाएगा। सॉल्व करके देखें कितना आता है, 8 × 6 = 14, हाथ में रहा 1 × 9 = 10 और 8 = 18, 184 mm of Hg इसका टोटल प्रेशर मिल जाएगा। नाउ हमें मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है बाबू, पेंटेन का निकालना है इन वेपर फेज। मैं यहां पे मान लेता हूं वाई ए, दिस इज अ मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन, पेंटेन इन वेपर फेज, इन वेपर फेज। तो फॉर्मूला जानते हैं वाई ए बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, दिस इज अ पी ए नॉट एक्स ए डिवाइड बाई हो गया टोटल प्रेशर। पी ए नॉट कितना था देखो तो 440 और एक से हो गया आपके पास 1/5 और टोटल प्रेशर आ गया है आपके पास 184। इसे कितना मरता हमें 88 टाइम में चला जाएगा तो 88 डिवाइड बाई 184 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे आएगा 0.478, कितना आ जाएगा 0.478, यानी ऑप्शन कौन सा है तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन है, कर सकते हैं। चलिए बच्चों यहां पर एक और क्वेश्चन है हमारे पास, अगेन पीएमटी 2005 का ही क्वेश्चन है कि द वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड्स पी एंड क्यू आर 80 and 60 torr रिस्पेक्टिवली। हमारे पास दो कंपोनेंट है, एक है पी एक है क्यू, इसका जो वेपर प्रेशर है दिया गया है 80 torr है ना, और इसका दिया गया है आपके पास कितना बाबू, 60 torr दिया गया है। आगे क्या कह रहा है, द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेंड बाय मिक्सिंग, टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा अगर 3 mole of P and 2 mole of Q वुड बी, इसका मोल जो है आपके पास दिया गया है 3 mole और इसका जो आपके पास मोल है ये दिया गया है हमारे पास 2 mole। ठीक है, आप सबसे पहले यहां से आप मोल फ्रैक्शन निकालो, क्या लिखेंगे, NP डिवाइड बाई NP प्लस क्या होगा NQ हो जाएगा, डेट मीन 3/3 + 2 आ जाएगा 3/5। सही है, नाउ XQ अगर आप फाइंड आउट करते हैं तो 1 - क्या हो जाएगा, XP हो जाएगा, यानी 1 - होगा 3/5, सॉल्व करेंगे तो आएगा 2/5। अब सिंपल हम लोग P टोटल का फॉर्मूला लगा लें तो पी पी नॉट एक्स पी प्लस पी क्यू नॉट एक्स क्यू ये हो जाएगा। पी पी नॉट आपके पास कितना है 80 और एक्स पी हमारे पास कितना है सर, तो 3/5 है, प्लस पी क्यू नॉट आपके पास कितना है 60 और एक्स क्यू कितना है आपके पास, तो 2/5। सॉल्व करके देखें कितना आ जाएगा, 5 से 1 टाइम में 16, 16 आ जाएगा यहां पर और यहां पे आ जाएगा 12, तो 16 × 48 प्लस 12 × 2 = 24, 8 × 4 = 12, 4 × 2 = 6 और 1 = 7, 72 एटीएम, सॉरी एटीएम नहीं, यहां पे टॉर के फॉर्म में होगा, तो आपके पास 72 टॉर इसका करेक्ट आंसर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बच्चों आगे की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है हमारे पास, टू लिक्विड्स ए एंड बी फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन, 300 केल्विन द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 mole ऑफ ए एंड 3 mole ऑफ बी इज 550 mm of Hg एट द सेम टेम्परेचर,
if one more mole of B is added to this solution, पहले आप यहां पे देखो क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है, टू लिक्विड्स ए एंड बी फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन, दो लिक्विड है ए और बी, दोनों मिलकर आइडियल सॉल्यूशन बना रहा है, 300 केल्विन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ ए एंड 3 मोल ऑफ बी इज 550 mm ऑफ एचजी। यहां पे टोटल प्रेशर होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, टोटल प्रेशर होना चाहिए था। तो पहले वाली कंडीशन में देखो तो ए है और एक है हमारे पास बी, आपके पास मोल गिवेन है, Na जो है हमारे पास 1 मोल दिया गया है और Nb जो है हमारे पास वो 3 मोल दिया गया है। आप एक काम करो, x से पता करो पहले, क्या लिखेंगे 1/4, यहां पर x भी देखेंगे तो क्या मिल जाएगा 1-1/4, दैट इज आ जाएगा 3/4 आएगा। टोटल प्रेशर फाइंड आउट करके देखें तो टोटल प्रेशर बराबर फॉर्मूला कितना है आपके पास, Pa नॉट एक्स से कितना हो गया बाबू 1/4 हो गया, प्लस पी बी नॉट ये कितना हो गया तो 3/4 हो गया। अब पी टोटल आपके पास कितना दिया गया है, 550 दिया गया, ये हो गया आपके पास पी ए नॉट इंटू 1/4 प्लस पी बी नॉट इंटू क्या हो गया तो 3/4 हो गया। एक तो ये वाला कंडीशन है, आगे कह रहा है क्या, एट सेम टेम्परेचर इफ वन मोर मोल ऑफ बी इज एडेड, इसी सॉल्यूशन पर आपने एक मोल बी फिर से ऐड कर दिया टू दिस सॉल्यूशन, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस बाय 10 mm ऑफ एच जी, तो जो आपका 550 था वो 10 mm ऑफ एच जी बढ़ जाता है, कब, जब एक मोल बी को आप फर्दर ऐड कर देते हैं आफ्टर एडिशन। अगर आफ्टर बात करें, ए की बात सोचो और बी की बात सोचो, ए अभी भी कितना रहेगा, ए में कोई बदलाव नहीं आया है तो एक तो अभी भी आपका एक मोल ही रहेगा, लेकिन बी आपका एक मोल बढ़ जाएगा क्योंकि वन मोल आपने बी को बढ़ा दिया ना, तो पहले 3 था अब कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी 4 मोल यहां पे सोच लेंगे। अब सिंपल यहां पे एक से को फाइंड आउट करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/5 हो जाएगा यहां पर भाई, 1+4 5 हो जाएगा, और एक्स भी कितना हो जाएगा बाबू, तो हमारे पास 4/5 हो जाएगा। अब टोटल प्रेशर कितना राइज किया है, 10 mm ऑफ एजी राइज किया है, तो हम लोग लिख सकते हैं पी टोटल इज इक्वल टू पी ए नॉट 1/5 प्लस पी बी नॉट इनटू क्या होगा 4/5 होगा। अब टोटल प्रेशर पहले था 550, अब 10 बढ़ गया तो 560 हो गया, तो 560 इक्वल टू ले सकते हैं पी ए नॉट इनटू 1/5 प्लस पी बी नॉट इनटू क्या होगा तो 4/5 हो जाएगा। अब सिंपल हम लोग क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को आपस में सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए एंड वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इन प्योर स्टेट। सॉल्व करें तो जरा इसको पहले, 550 इंटू 4 इज इक्वल टू क्या होगा पी ए नॉट प्लस 3 पी बी नॉट हो जाएगा। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, भाई 4 को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पे क्या मिल जाएगा 560 × 5 इज इक्वल टू पी ए नॉट प्लस क्या हो गया तो 4 पी बी नॉट हो जाएगा। अब आप इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2, अब सेकेंड को फर्स्ट के साथ माइनस कर लो, सेकेंड माइनस फर्स्ट क्या हो गया देखो तो 0, 5, 6, 30 और 5, 5, 25, 26, 27, 28, 28, 100 इज इक्वल टू पी ए नॉट प्लस क्या हो गया तो पी बी नॉट हो जाएगा, पी बी नॉट हो जाएगा। फिर यहां पर देखिए तो ये कितना हो गया 0, 5, 20 और 5, 20 और 2, 22, 2200 इक्वल टू हो जाएगा पी ए नॉट प्लस 3 पी बी नॉट। अब इसको आप माइनस कर लो, माइनस माइनस माइनस, ये कितना हो गया आपके पास 600 हो गया, ये तो आपका कट गया, ये कितना हो गया आपके पास पी बी नॉट, तो आपके पास पी बी नॉट का वैल्यू आ चुका है कितना 600 mm ऑफ एच जी आ चुका है, बशर्ते कि यहां पर mm ऑफ एच जी के फॉर्म में ही दिया गया, सही है। और पी ए नॉट कैसे निकालोगे बाबू, तो पी ए नॉट निकालने का तरीका है इस 600 को किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, क्या मिल गया, दैट इज 2200 माइनस क्या हो जाएगा 2200 माइनस 3 इंटू 600 हो जाएगा, यानी कि 2200 माइनस 1800 तो आपके पास आंसर आ जाएगा 400 mm ऑफ एच जी आ जाएगा। कर सकते हैं, तो एक तो हो गया आपके पास 400 mm ऑफ एच जी कंपोनेंट ए का प्योर वेपर प्रेशर, और कंपोनेंट बी का कितना हो जाएगा आपके पास 600 mm ऑफ एच जी हो जाएगा। कर सकते हैं।
चलिए बच्चों, तो हम लोग आज के लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास पर एक नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय विज्ञान। बच्चों, अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया है तो आप मेरे इस लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड तक तो जरूर शेयर करें, जिससे उन्हें भी हमसे जुड़ने का एक मौका मिल सकता है। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। थैंक यू वेरी मच।